नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। निगम की जनसुनवाई में कई कई मरतबा हाजिरी लगाने पर भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। निगम की लचर कार्यशैली से समस्याओं का सामना कर रहे लोगों में पनप रहा है रोष। नगर निगम सहारनपुर में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जा रही जनसुनवाई के मौके पर नगर आयुक्त के समक्ष अनेक लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत की। 10 से 2 बजे तक चलने वाली जनसुनवाई में काफी तादाद में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज से मिले और समस्याओं के निदान की गुहार लगाई। समस्याओं को लेकर आने वाले को नगर आयुक्त द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तेज धूप में नगर आयुक्त से मिलने के लिए लोगों अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं अधिकतर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नगर आयुक्त के समक्ष 3-4 बार अपनी समस्या रखने पर उपरांत भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका, उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। नगर निगम की इस कार्य प्रणाली से लोगों में रोष व्याप्त है। सुनिए क्या कह रहे हैं समस्याओं का सामना कर रहे नगरवासी। मैडम से आपने इससे पहले भी शिकायत की थी जनसुनवाई में? पहले भी आए थे? पहली बार आए? तीसरी बार आई है। तीसरी मरतब आए हो? अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं सर। तो क्या कहा मैडम ने? मैडम बोली अभी और टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, आश्वासन दिया बस। आपका सबका मामला एक ही है सबका? अच्छा, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम विजयकांत। आपने? विक्रांत। ठीक है, तो आप क्या आश्वासन दिया मैडम ने? नहीं, इस पिछली जन सुनवाई में आपने कहा तो आए नहीं थे, देखने नहीं आया कोई? नहीं पूछता। अच्छा, इसलिए दोबारा आना पड़ा। और उससे पहले कब से शिकायत कर रहे हैं आप? 6 साल हो गए पूरे। 5-6 साल हो गए। पहले जो ठेकेदार था जिसको ठेका मिला था, वो बोलता पैसे नहीं मिले हमको, इसलिए काम नहीं हो रहा आपका। अच्छा, निगम में जाकर मिलूंगा। आपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके आपको 6 साल हो गए निगम में शिकायत करते हुए, तो अब मैडम से क्या मरतबा मिली है आज? दूसरी बार हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। स्मार्ट सिटी में है सर? ठीक है, स्मार्ट सिटी है क्या? ठीक है, धन्यवाद। सुनवाई में आए थे, क्या हुआ आपके साथ, कार्रवाई क्या हुई? क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र पाठक। और शिकायत क्या है आपकी? सड़क निर्माण। कहाँ का मामला है? आपका शुभ नाम? वीरेंद्र पाठक। वीरेंद्र पाठक, तो क्या कहा अंदर से, क्या कहा मैडम ने? कुछ टाइम लगेंगे, अभी हो नहीं पाएगा, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि 5-7 साल से तो हम चक्कर काट रहे हैं, अब तक नहीं होगी। नहीं, अभी जन सुनवाई में मैडम से कितनी मरतबा मिले आप? दूसरी बार मिले थे अभी। दूसरी बार मिले हैं? अच्छा 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 अच्छा, एक काम नहीं हुआ अभी तक भी? अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। वहीं अम्बाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आयोजित हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत झंडारोहण की सफल पहल की गई। इस अवसर पर डॉक्टर असलम जैदी, अमित शर्मा सहित हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। असलम जैदी, फेमस मेडिकल हॉस्पिटल का एडमिन इंचार्ज हूँ। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम अपने यहाँ किया। जैसा कि सबको पता है कि हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई ने एक आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा हमको फहराना है 15 अगस्त तक। तो उसी सिलसिले में हमने अपने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने तिरंगा फहराया है अपने हॉस्पिटल में, और हमारा प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है।